हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 20 हिस्ट्री के प्रश्न लेकर आया हूं, और साथ ही साथ आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, स्टैटिक जी के आप बोल सकते हैं उसका पार्ट है, जो कि वो भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, और ये जो वीडियो है आपके लिए, ये आपके सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से, चाहे आप वीडियो का एग्ज़ाम दें या उत्तराखंड VPDO का एग्ज़ाम दें, ठीक है, या फिर आप RO AR O का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। चलिए, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रत्येक प्रश्न का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इक्ता शब्द का अर्थ है, दोस्तों इक्ता शब्द का अर्थ है नकद वेतन के बदले किसी विशेष क्षेत्र का राजस्व कार्य। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करें दोस्तों एकता की, तो एकता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, यह आपको याद रखना है। एकता की प्रस्था की शुरुआत किसने की है? इल्तुतमिश ने की है। दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसने 40 दल का गठन किया था, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछता है प्रश्न, 40 दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों यह गुलाम वंश से संबंधित है, और त्राइन का थर्ड युद्ध भी इल्तुतमिश का हुआ था एल्दोज के साथ, ताजुद्दीन एल्दोज के साथ 1215 में दोस्तों त्राइन का थर्ड युद्ध भी यही लड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इससे कुछ प्रश्न है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, याद रखना है आपको। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना, जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, तो इसका जो बचपन का नाम है वह अली गुरशास्प है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछता है प्रश्न, अली गुरशास्प किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों इसे सिकंदर एसानी या सिकंदर सेकंड के भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बहादुर था इस कारण से। ठीक है, और दोस्तों यह पहला शासक था जिसने दक्षिण को जीतने का प्रयास किया। घोड़ा दागने की प्रथा इसी ने शुरुआत की है। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी दोस्तों इसी ने की है। ठीक है, इसके अलावा बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक, चलिए ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, आगे देखते हैं। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों ये मोहम्मद शाह को कहा जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह रंगून यानी कि म्यांमार में स्थित है। और दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही थे, ठीक है, उनका साथ देने के कारण इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो दोस्तों उन्होंने कुल 8 बार आक्रमण किए थे। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों इसने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ये भी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगोल किसके शासन में पहली बार सिंधु नदी के किनारे देखे गए? तो दोस्तों यह देखे गए थे इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, और दोस्तों कौन आया था? तो चंगेज खान आया था। ठीक है, चंगेज खान आया था। चंगेज खान का एक नाम तेमुचिन भी है, ये भी आपको याद रखना है, तेमुचिन। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश की बात करूं तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है, पूरा करवाया है। ठीक है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा इसी ने बनवाया है। ठीक है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, इसी ने बनवाया है अपने बेटे की याद में। आतार किन का दरवाज़ा? दोस्तों इसी ने निर्माण करवाया है, ये राजस्थान में है। हौज ए शमसी का निर्माण भी इसी ने करवाया है, दोस्तों यह बदायूं में है, या इसे शमसी ईदगाह के नाम से भी जानते हैं। इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो दोस्तों मध्य भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो दोस्तों यह था भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो दोस्तों यह कराया है जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? दोस्तों जफरनामा लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो दोस्तों यह लिखा है गुरु
अर्जुन देव ने, सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गजनी के महमूद किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों गजनी के जो महमूद थे, यह महमूद गजनवी, यह यामिनी वंश से संबंधित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यह भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क थे। ठीक है, और दोस्तों इसके पिताजी का नाम, महमूद गजनवी के पिताजी का नाम सुबुक्तगीन था, जिसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इसका पुत्र महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, और महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें से इसका जो 16वां आक्रमण था वो सबसे फेमस है, जो इसने सोमनाथ मंदिर पर किया था। और तब इसने यहाँ के शासक, गुजरात के शासक भीम प्रथम को पराजित किया था युद्ध में। ठीक है, इससे इसका सामना हुआ था, भीम प्रथम से। चलिए दोस्तों अगला कुछ प्रश्न देख लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों यह था मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? यह हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो दोस्तों यह 1689 में, सॉरी 79। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1658 में। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसके बच्चों में दोस्तों उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, जिसमें इसके जो बेटा होता है औरंगजेब, उसकी जीत होती है। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तोपखाने का इस्तेमाल पहली बार किस युद्ध में किया गया था? तो दोस्तों तोपखाने का इस्तेमाल पहली बार किया गया था पानीपत के युद्ध में, ऐसा कहा जाता है, और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और दोस्तों इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है वो युद्ध भूमि में मारा गया था, और यह युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, और इसके बाद बाबर ने फिर मुगल वंश की नींव रख दी 1526 में। मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी 1526 ईस्वी में। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों मेहरुन्निसा का नाम था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 में। ठीक है, नादिर शाह दोस्तों कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? ये बने थे 1761 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन से। किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट स्कूल खुलता है, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान इसकी स्थापना कर देंगे, 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो इस आंदोलन की शुरुआत करी थी अलीगढ़ आंदोलन की, यह मुसलमानों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए की गई थी। इनकी एक पत्रिका भी है तहजीब उल अखलाक, ये भी आपको याद रखना है, तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान के, ठीक है, संपादक हैं। चलिए अगला कुछ प्रश्न देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 ईस्वी में डाली थी। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? ये थे गुरु अर्जुन देव। ठीक, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? दोस्तों मोहम्मद शाह के समय में हुआ। फरुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ये भी सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना, इसलिए सैयद बंधु जो है दोस्तों वह नृप निर्माता भी कहलाते हैं। एग्जाम में ये भी आपसे पूछता है कि नृप निर्माता कौन है? सैयद बंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग के दौरान गठित किया गया था? होम रूल लीग को दोस्तों किस के दौरान गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 के बीच चला है। ठीक है, और यह विश्व में सबसे पहले, यदि मैं बात करूँ होम रूल लीग की मांग किसने की थी, तो सबसे पहले ये मांग दोस्तों आयरलैंड ने उठाई थी। विश्व में सबसे पहले होम रूल लीग की मांग आयरलैंड ने उठाई थी। ठीक है,
और दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना भारत में 1916 में हुई थी, दो क्षेत्रों में हुई थी। अप्रैल 1916 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत करी, जिनका केंद्र पूना था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सितंबर 1916 में ही एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत करी मद्रास से। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? यह गुरु अर्जुन देव ने किया है, सिखों के पांचवें गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों यह दौरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को हम जूना खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान जो शख्स था वो यही था, लेकिन केवल अपनी नीतियों के कारण, ठीक है, अपनी खराब नीतियों के कारण इसको पागल या सनकी भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या करा, दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया 1326 ईस्वी में, और उसका नाम रख दिया इसने दौलताबाद। फिर वापस 1335 में देवगिरी से फिर इसको राजधानी को दिल्ली ले आया। ठीक है, और दोस्तों यह ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। इसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करवाई और दुआब में कर वृद्धि करा दी, जो कि 50% निर्धारित कर दी थी। ठीक है, और उसी समय वहाँ पर क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो उसकी ये योजना भी फेल हो गई। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, किस एक्ट में लड़की के विवाह के लिए की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों यह शारदा एक्ट में की गई थी। ठीक है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? यह अकबर सेकंड ने दी थी। ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने दी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड राज्य में है, और अब इसका नाम रामगंगा हो चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यह भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसका इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और इसका तब नाम था हेली नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन को निलंबित करने की घोषणा करने के लिए गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी को कहाँ बुलाया था? तो दोस्तों यह बुलाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों यह 1920 में हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और यहीं पर इसको पारित किया गया था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों इसकी शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की, और 5 फरवरी 1922 को एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है, जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों यह चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि कुछ उपद्रवी लोग होते हैं जो कि पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, और उसमें जलकर 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गांधी जी इस आंदोलन को दोस्तों इस बात से नाराज होकर इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना जूलू पदक और केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कलकत्ता। चलिए आगे देखते हैं, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों यह चंबल में है। ठीक है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों यह नेपनगर मध्य प्रदेश में है। त्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सॉरी, त्रि परिषद नहीं दोस्तों, मंत्री परिषद है ये। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आपको याद रखना है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वीवी गिरी के समय, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी थी इसका गठन किया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। 1923 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है, और दोस्तों बाद में इसी पार्टी के सदस्य जिसका नाम था विट्ठल भाई पटेल, क्या नाम था दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। विट्ठल भाई पटेल को दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष नियुक्त इसी पार्टी से किया गया था, स्वराज पार्टी से। चलिए आगे देखते हैं,
मोहम्मद गोरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों यह छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो ये मोहम्मद गोरी ने डाली थी। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों ये पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के नेतृत्व को संभाला था? तो दोस्तों महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन को संभाला था। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है साबरमती से, और 6 अप्रैल 1930 को ये लोग पहुंच जाते हैं दांडी, ठीक है, और नमक उठाकर, ठीक है, नमक कानून को तोड़ देते हैं। इस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी के साथ वेब मिलर थे, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद इस आंदोलन की कमान आ जाती है अब्बास तैयब जी के हाथों में, ठीक है। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी, मलंग बाबा की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा दोस्तों ये फारसी थी। आगरा शहर का निर्माण कराया था सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलने खेलते समय हुई? तो दोस्तों यह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ये भी आपको याद रखना है। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो दोस्तों इसके जो नेता थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इन्हें इसी आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी थी बारडोली की महिलाओं ने, ठीक है दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1931 में कराची अधिवेशन में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें हम लोह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनकी जो मूर्ति है वो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत में स्थित है, और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी हाइट है 182 मीटर। दोस्तों यह नर्मदा नदी के किनारे है, और जिस स्थान पर है, जिस द्वीप पर है, उसका नाम है साधुपेट द्वीप पर, ठीक है दोस्तों। इसको हम स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर से युद्ध हुआ पानीपत का, है ना, और वहां पर इसकी डेथ हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं, भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की व्यवस्था पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी माल्य मिंटो सुधार के थ्रू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माल्य मिंटो सुधार के द्वारा दोस्तों मुस्लिम मतदाता मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करेंगे, ठीक है, ये कहा गया था, ठीक। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक थे वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। फूट डालो और शासन करो की नीति इसी ने अपनाई थी, ठीक। और ये घटना 1909 की है, माल्य मिंटो सुधार के रूप में इसको हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? दोस्तों इल्तुतमिश ने करवाया इसको। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक। अगला देखते हैं, होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो दोस्तों होम रूल लीग की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिकाएं भी निकाली थी, एक केसरी, और केसरी मराठी भाषा में थी, और एक निकाली थी मराठा, मराठा अंग्रेजी भाषा में थी। इसके अलावा इनकी गीता रहस्य इन्हीं की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका नारा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य की उपाधि दोस्तों इन्हीं की है, लोकमान्य इन्हीं को कहा जाता है। और एक बात और, 1875 में, सॉरी, लोकमान्य की उपाधि इन्हीं की है, ठीक है। चलिए एक, हाँ, बात और, 1895 में सबसे पहले जो संविधान
की मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? वो रजिया सुल्तान थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। ठीक है दोस्तों, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायसराय द्वारा नियुक्त हंटर आयोग ने जांच किस जांच के लिए इसका गठन किया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो गठन किया गया था दोस्तों वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था, हंटर आयोग का। और दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी अमृतसर में। दोस्तों उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर एक जनसभा हो रही थी। ठीक है दोस्तों, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और इसी कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को लौटा दिया था। कांग्रेस ने एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था तहकीकात। ठीक है दोस्तों, तहकीकात का गठन किया और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, ये भी आपको याद रखना है। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? दोस्तों यह किया था मुबारक शाह खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? तो 1290 में हुई थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों बताया था पीछे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों यह इन्होंने शुरू किया था पावनार आश्रम महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को। और जो पहले सत्याग्रही हैं वो होते हैं आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये था कि 1940 के विश्व युद्ध में, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था सेकंड वाला, और गांधी जी ने इनसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए कहा था। और ये लोग अपने तरफ से कुछ लोगों को नियुक्त करते थे और वो लोग जन जन तक ये संदेश पहुंचाते थे कि हम इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, मैसेज पहुंचाने के लिए इसका गठन किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। चलिए आगे देखते हैं, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किताबुल हिंद को। और यह जो पुस्तक लिखी है दोस्तों यह लिखी है अलबरूनी ने, यह भी आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो यह लिखता था सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? दोस्तों यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ठीक, आगे देखते हैं, कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो दोस्तों यह खोली गई थी 1853 में। ठीक है, और दोस्तों उस समय जो वायसराय था, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डलहौजी, ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों कई सारे काम किए थे। ठीक है, इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है, रेलवे की शुरुआत इसी के समय में हुई थी 1853 में, और जो मुंबई से ठाणे चली थी। डाक टिकट का प्रचलन भी इसी के समय में हुआ था। शिक्षा पर वुडकर डिस्पैच आया था दोस्तों 1854 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसकी व्यपगत की नीति भी आई थी, व्यपगत की नीति, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो भी डलहौजी की ही थी, ये आपको याद रखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने की, जो कि इसका भतीजा था और इसका दामाद भी था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? वह था मलिक। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था इसका उद्देश्य था
बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध के रूप में, ठीक है, क्योंकि 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, और इससे खिन्न होकर दोस्तों इसके विरोध में, प्रतिवाद में एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है, और इस दिवस को हमने बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया, ठीक है, शोक दिवस के रूप में बनाया। 20 जुलाई को दोस्तों घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों पूरे बंगाल में या पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन को मनाया गया, अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, ठीक है, कई सारे काम किए गए थे। चल, और इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो 1905 और 6 यही टाइम पीरियड था जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की, ठीक। और क्यों किया गया था दोस्तों? बंगाल विभाजन के विरोध में, और बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था दोस्तों। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? तो दोस्तों यह थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। और इनको हम ग्रैंड, सॉरी, वो इनकी एक किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा इनकी रस्त गोफ्तार भी किताब है, रस्त गोफ्तार भी इन्हीं की है, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्हीं की है रचना। इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुगलक नामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने। दोस्तों आधुनिक भारत का पिता इन्हें नहीं, राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, राजा राममोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता या पुनर्जागरण काल का पिता। चलिए तुगलक नामा की रचना किसने की है? दोस्तों अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तुर्कों के समय में हुआ। अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की घोषणा की? तो दोस्तों यह की थी 1582 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? दोस्तों पीछे बताया था ये आपको, ये चली है 1 अप्रैल 1853 में, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के दोस्तों आपको बताने हैं पहले रेल मंत्री कौन है, ठीक है, और वर्तमान में कौन है? दोस्तों वर्तमान में अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों जॉन मथाई थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं महिला रेल मंत्री, तो वो आपको मेरे को बताना है कौन थी पहली महिला रेल मंत्री भारत में, ठीक है। चलिए दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों मूल शंकर था। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों वह गयासुद्दीन तुगलक था। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? तो दोस्तों वह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।